हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे आयुर्वेद में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पेट में रहती है गैस और कब्ज़ की समस्या तो आज से ही छोड़ दें इन दो चीज़ों का सेवन। कौन सी दो चीज़ों का, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आजकल लोग घर का खाना कम खाते हैं और बाहर का फास्ट फूड और तेल मसाले का खाना अधिक खाते हैं, जिसकी वजह से अधिकतर लोग पेट में गैस की समस्या से परेशान रहते हैं। खान पान के गलत आदतों की वजह से पेट में गैस के अलावा कब्ज़ और एसिडिटी जैसी समस्याओं से भी परेशान होना पड़ता है। आज हम आपको उन दो चीज़ों के बारे में बताएंगे जो पेट में गैस और कब्ज़ की समस्या के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है, इसीलिए इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल ना करें। तो आइए जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी विनती है, अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे आयुर्वेद को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दूध। जिन लोगों को पेट में गैस की बीमारी है उन्हें दूध का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर रात में तो दूध बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि रात में दूध का सेवन करने से पाचन अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से पाचन तंत्र कमज़ोर होकर पेट में गैस या कब्ज़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। सुबह नाश्ते के बाद दूध पीने से पेट में गैस और कब्ज़ की समस्या नहीं होती। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट्स। पेट में गैस और कब्ज़ की समस्या से परेशान लोगों को कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, खास करके आलू और चावल का सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए या फिर कम करना चाहिए। इसके अलावा खाने में ज़्यादा घी और तेल का इस्तेमाल भी नहीं करें, क्योंकि इसकी वजह से पेट में गैस और कब्ज़ की भयंकर समस्या हो सकती है। ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल देसी नुस्खे आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।